बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में आसान नहीं है इस बार टिकट को हासिल कर लेना कविता सिंह को। जदयू के विधायक ने सिवान लोकसभा पर ठोक दी है दावेदारी। क्या कविता सिंह का टिकट काटकर नीतीश कुमार देंगे अपने करीबी विधायक को? 2024 लोकसभा चुनाव के तिथि ऐलान होते ही उम्मीदवारों द्वारा क्षेत्र में अपने दावेदारी पेश करने के लिए दाव पेच का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम सिवान लोकसभा की बात करूं तो यहां के प्रथम महिला सांसद कविता सिंह के सिवान लोकसभा सीट से इस बार टिकट पा लेना उतना आसान नहीं होगा। सिवान में भी जदयू में रार इस बार की चुनाव में दिख रही है। ताकि जदयू के गिने चुने नेताओं में शामिल होती थी कविता सिंह, इनके अलावा कोई और उतने बड़े कद के नेता या नेत्री सिवान में नहीं था। वही कारण था कि विधायक रहते हुए नीतीश कुमार कविता सिंह को 2019 लोकसभा के चुनाव में टिकट देकर लोकसभा भेजने का काम किए थे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तिथि ऐलान होते ही जदयू के विधायक ने मजबूती से दावेदारी अपनी ठोक दी है। इस दावेदारी से कविता सिंह का भी उल्टा गिनती शुरू हो गया है। दरअसल गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने सिवान लोकसभा से अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक दिए हैं। इसका शोर पिछले माह पटना के सड़कों पर भी दिखा जा चुका है, जहां अमरेंद्र कुमार पांडे का समर्थक नारा लगा रहे थे कि सिवान का सांसद कैसा हो, अमरेंद्र पांडे जैसा हो। वहीं अब कविता सिंह से भी ये सवाल किए जाने लगा है कि आप ही के पार्टी के विधायक दावेदारी पेश कर दिए हैं, क्या कहेंगी? तो कविता सिंह कहती हैं कि जो हमारे नेता यानी नीतीश कुमार निर्णय लेंगे, हम लोग वही काम करेंगे। इधर खबर यह भी मिल रही है कि बहुत जल्द सिवान के क्षेत्रों में अमरेंद्र पांडे दौरा भी शुरू करने वाले हैं। जदयू में टिकट के तो रार सामने आई गई है, इधर भाजपा के नेता भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को पिछले लोकसभा के चुनाव में टिकट से वंचित रखा गया था, उसके बावजूद भी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई में खड़े दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति जैसी भी हम चुनाव लड़ेंगे। इधर राजद के तरफ से लगभग क्लियर हो गया है कि उसी क्लैरिटी के आधार पर हिना साहब ने ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि राजद कोई पैराशूट वाला उम्मीदवार खड़ा करती है या सिवान सदर से विधायक और बिहारी चौधरी को। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन राजद की उम्मीदवारी के लेकर जो नाम सामने आ रहा है वो और बिहारी चौधरी का है। इसी प्रकार इस बार सिवान में दो कोणीय राजनीतिक लड़ाई नहीं होने वाली है। दरअसल इस बार सिवान में चौकोणीय लड़ाई की संभावनाएं बताई जा रही है, ताकि जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सिवान का सीट फिर इस बार जदयू के खाते में चली गई है। इसे साफ हो गया है कि यहां से जदयू अपना उम्मीदवार देगी। रही बात भाजपा का, तो उनका नेता ओम प्रकाश यादव का तो निर्दलीय के संभावना ज्यादा है इस बार। ताकि जिस तरह 2009 लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसी ताकत के साथ चुनाव में उतरने की संभावनाएं बताई जा रही है। इधर हिना साहब निर्दलीय तैयारी कर रही हैं। राजद से कौन उम्मीदवार होंगे पता नहीं खुला है, यानी कि चार उम्मीदवार तय हो गए हैं कि सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए।